हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। सरकार के बीच संग्राम कृषि कानूनों को लेकर लगातार जारी है। इसी बीच कल सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद किसानों ने कुछ हद तक आंदोलन कर रहे किसानों ने राहत की सांस ली। शंभू टोल प्लाजा पर कई दिनों से आंदोलन कर रहे किसानों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का धन्यवाद किया। किसानों ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला सरकार को एक इशारा है कि सरकार जल्द से जल्द कृषि कानून को वापस ले। साथ में ही किसानों ने साफ कर दिया कि भले सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल के लिए कानून के अमल पर रोक लगा दी हो, लेकिन वो आंदोलन से पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि उनकी मांग कृषि कानूनों को हमेशा के लिए रद्द करवाने की है। सुप्रीम कोर्ट का आज का फैसला है, ये हमारी आधी जीत है। हमारी सभी किसान बंधियों ने इसको बहुत अच्छा बताया और सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा भी किया है। दूसरी बात ये है, ये जो फैसला है ये इस सरकार के खिलाफ फैसला है। एक किस्म का सरकार के, मैं दूसरे शब्द में कहूँ भी, सरकार हमारे कानून जो वापस नहीं लेना चाहती, उनके तरफ सुप्रीम कोर्ट ने इशारा किया भी जल्दी से जल्दी आप किसानों के साथ बैठो, तो इनको तारीख मत दो, इनके साथ बैठकर इन काले कानूनों को वापस लो। सरकार ने क्या संज्ञान लेना, सरकार तो जो लेना चाहती तो अब तक ले लेती। ये तो किसानों को ना चकमा दे रहे हैं ना कि ये अपना किसी तरीके से के पीछे हट जाएं। पर किसान सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं और जब तक ये कानून वापस नहीं देते, ये काले कानून रद्द नहीं होंगे, पीछे मुड़ने वाले नहीं हैं। देखो, सुप्रीम कोर्ट का हम आदर करते हैं, लेकिन ये जो कुछ किया गया मेरे मुताबिक ये सरकार की शय के ऊपर किया गया, सरकार के इशारे पर किया हुआ है, हमें ये मंजूर नहीं है। हमारी जो हाई कमांड है दिल्ली बॉर्डर पर बैठी है, जो वो आदेश करेगी हम उसका पालन करेंगे, जैसी भी वो चाहेंगे वैसा हम। हम धन्यवाद करते हैं सुप्रीम कोर्ट का और सम्मान करते हैं कि उन्होंने कोई स्टेप उठाया इसको सलूशन करने के लिए। नहीं, घर कब तो इसको रद्द करा के ही लौटेगा, ऐसे घर नहीं लौटेगा।